जब आपने पहला स्मार्टफोन खरीदा था तो वो कैसा था? ऐसा ऐसा या फिर ऐसा? दोस्तों, हम में से बहुत से लोगों का पहला फोन नोकिया था, लेकिन एक टाइम आया जब नोकिया चला गया। 1940 के दौरान सबसे पहले मोबाइल कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी। उस समय मोबाइल कम्युनिकेशन का उपयोग इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस, टैक्सी और एम्बुलेंस में किया जाता था। मोटोरोला ने 3 अप्रैल 1973 को पहला फोन लॉन्च किया था। इसको 0G फोन बोला गया था और इसका वजन लगभग 1 किलो 100 ग्राम के आसपास था। इसके बाद तो मोबाइल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ और आज हम 4G 5G फोन का इस्तेमाल करते हैं। 1992 में पहला SMS भेजा गया था, जो कि वोडाफोन से भेजा गया था, और पहला कंटेंट जो कि एक रिंगटोन थी और उसे डाउनलोड किया जा सकता था, उसे 1998 में पॉसिबल बनाया गया था। 2000 के बाद तो मोबाइल के क्षेत्र में क्रांति आ गई, जिसका श्रेय नोकिया 3310 को ही जाता है और ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन हुआ। उसके बाद 2002 में कैमरा फ़ोन वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ और 2003 में 3G फ़ोन लॉन्च हो गया। भारत में भी टेलीकॉम की शुरुआत लगभग उसी समय हुई थी, लेकिन उस समय ये सिर्फ अमीर लोगों की चीज़ें ही हुआ करती थी। हालांकि स्मार्टफोन के पुराने डिजाइन में एक खास थी, वे सब के सब एक जैसे ईंट के जैसे भारी थे। एक्चुअली 2000 के आसपास बहुत सारे ऐसे फ़ोन लॉन्च हुए जिनका डिज़ाइन ईंट जैसे फ़ोन से हटकर था। ब्लैकबेरी क्वर्टी कीबोर्ड के साथ लॉन्च कर रहा था अपने फ़ोन, जबकि बाकी कंपनीज ने T9 कीबोर्ड के साथ अपने फ़ोन लॉन्च किए। ठीक उसी समय फोल्डेबल फोन्स की भी धूम मची हुई थी। मोटोरोला स्टार टेक ओरिजिनल फ्लिप फोन था। हालांकि 2004 में एसटीसी मैजिक के बाद तो स्लेट फोन्स की बाढ़ आ गई। एप्पल, सैमसंग, एलजी, लुमिया सीरीज सबके पास अपना स्लेट फोन था। हालांकि आजकल के जो फोन होते हैं वे ज्यादातर टैबलेट होते हैं, लेकिन हर कोई चाहता है कि डिस्प्ले बड़ी से बड़ी हो, तो इस रेस में कंपनीज कुछ समय से रिसर्च में लगी हुई है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी फोल्डेबल फ़ोन का भी उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि फोल्डेबल फ़ोन की खासियत ये होती है इनका, अगर बड़ा या छोटा डिस्प्ले को किया जा सकता है, अगर आपको ज़्यादा डिस्प्ले का यूज़ है तो आप फ़ोन को ओपन कर सकते हैं या फिर आप उसको क्लोज में रहने दे सकते हैं और नॉर्मल कॉलिंग वगैरह जैसे फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसी सीरीज में आइए आज के कुछ फोल्डेबल फ़ोन पर नज़र डालते हैं जो कि भविष्य में लॉन्च होने वाले हैं।